वेलकम टू ईशानी वीडियोस। ये जादू है जिनका में अब होने वाली है सुरभि ज्योति की एंट्री और ये है इनका नाम लैला। यानी यहाँ पर सुरभि ज्योति अब जल्दी ही नजर आने वाली है आपको आने वाले एपिसोड में, यानी सोमवार को जो एपिसोड आने वाला है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी सुरभि ज्योति की एक झलक, जिसमें आप सबके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर बेहतरीन चीजें देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले आखिर में यहाँ पर एंट्री क्यों हुई है सुरभि ज्योति की और आखिर में लैला का आने का असली मकसद क्या है और आने वाले स्टोरी कैसे खास बनेगी, चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। अमन और रोशनी बहुत ही ज्यादा अच्छे से यहाँ पर पूरी तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और एक दूसरे को जलाने में और एक दूसरे को पास लाने में काफी ज्यादा यहाँ पर मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, अभी उनको ये नहीं पता कि उनकी जिंदगी में एक सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है, वो कोई और नहीं लाल चांद की राजकुमारी है जो कि यहाँ पर लैला है। अब आखिर में लैला का आने का मकसद है कि उसे उसकी सारी शक्तियां वापस चाहिए और उसकी शक्तियां ऐसे कोई नहीं छीन सकता और उसे यहां पर शक्तियां इसलिए चाहिए क्योंकि वो बनना चाहती है यहां पर राजकुमारी से रानी। अब रानी बनने के लिए कुछ ऐसी शक्तियां चाहिए जो कि रोशनी और अमन से ही उसे मिल सकती हैं और यहां पर अपनी शक्तियां पाने के लिए और शक्तियां को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए वो यहां पर कई सारे हथकंडे अपनाने वाली है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अमन और रोशनी की यहां पर मुसीबतें बढ़ाने के लिए अब लाल चांद की यहां पर राजकुमारी आएगी उनके सामने और यहां पर सबसे पहला वार करेगी अमन के ऊपर, लेकिन वो नाकामयाब रहेगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें।